नमस्कार दोस्तों ज्ञान विज्ञान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है देखिए फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आपका जारी हो चुका है तो उसकी कट ऑफ हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं कितनी कट ऑफ कहाँ पर गई है और किस तरीके से जो है कट ऑफ आपकी बनी है तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बेलाइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए बात करते हैं एस एस के बारे में देखिए एस एस में अब बार वैकेंसीज़ काफ़ी कम हो होने के कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है पिछली बार वैकेंसीज़ पहले सात थी फिर के बाद बढ़कर 2000 और बढ़ी थी 9000 वैकेंसीज टोटल हो चुकी थी लेकिन इस बार जो है आपकी कुल 4000 वैकेंसीज़ रह चुकी हैं तो घटकर के वैकेंसी जो है आपकी काफ़ी कम रह चुकी हैं पहले आपकी वैकेंसीज काफ़ी हद तक ज़्यादा आती थी लेकिन जो है अब सभी फील्ड में खासकर बैंकिंग में भी एसएससी में भी वैकेंसीज कम होती नजर आ रही हैं तो इस तरीके से जो है आपकी कट ऑफ पर भी उसका असर दिखने को जरूर मिलता है चलिए देखिए बात करते हैं एस एस सी का आपका रिजल्ट कल शाम जारी हो चुका है और इसमें देखिए टोटल कैंडिडेट आपके कितने कितने पास हुए हैं तो ये जो है ई में आपके तीन हज़ार सत्तर और एस में तीन हज़ार पाँच सौ नब्बे एस में दो हज़ार नौ सौ नब्बे और ओ एच OH कैटेगरी में आपके छः सौ बीस और चार सौ सत्तर एच में ओ में इतने इतने सब देख लीजिए टोटल जो है ये आपके चौवालीस हज़ार छः सौ अस्सी हज़ार पिछली बार एक लाख बीस हज़ार कैंडिडेट पास हुए थे प्री जो है आपके सी बी में और अब की बार जो है संख्या घटकर के आधे से भी कम जा चुकी है अब देखिए नीचे ये टोटल हैं जो हैं आपके मतलब इतने तो पास हुए हैं इतने यू आर कैटेगरी में इंक्लूड हुए हैं यानी कि इतने लोग जो हैं आपके यू आर कैटेगरी में हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओ OH एच है छः सौ बीस है छः सौ बीस में आप चौवालीस और जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये यू आर कैटेगरी में जा चुके हैं छः और छः छः सौ चौसठ जो है आपके मान लीजिए टोटल कैंडिडेट इस कैटेगरी में पास हुए हैं ठीक है अगर मान लीजिए इनके नंबर कम रहते हैं थोड़े से जनरल से और ये एच एच में आ जाते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा फिर फाइनल में ठीक है अब आगे इसमें देखिएगा ये सब जो हैं इस तरीके से देखिएगा बिहार की कट ऑफ देख लीजिएगा आप कितनी गई हैं जो ओ बी सी है नाइन्टी वन और आपकी बिहार की जो जनरल कैटेगरी है वो नाइन्टी थ्री ठीक है जो है सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ की चली गई है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं सतहत्तर नंबर ई डब्ल्यू एस की है एस सी की जो है आपकी तिहत्तर ओ OH एच की भी आप देख सकते हैं साठ नंबर पर ओ OH एच की आपकी कट ऑफ उत्तर प्रदेश की है ठीक है और बाकी अदर्स जो है आप वो जगह की भी देख सकते हैं ये देखिए आप जो है यहाँ पर झारखंड की देखिएगा ई की अठहत्तर नंबर पर गई है ओ OH की सत्तर नंबर पर चली गई है आपकी और आपकी एस की तिहत्तर नंबर पर कट ऑफ गई है तो इस तरीके से आप सभी जगह की कट ऑफ देख सकते हैं ठीक है वेस्ट बंगाल की कट ऑफ भी देख लीजिएगा आप जो है ई डब्ल्यू एस सिक्सटी सेवन है ठीक है और कहीं ये आपकी कर्नाटका की कर्नाटका की है ठीक है ओएच की कर्नाटका की पचपन नंबर पर कट ऑफ गई है तो इस तरीके से जो है आप सभी रीजन की कट ऑफ इसमें देख सकते हैं दिल्ली की कट ऑफ़ देख लीजिएगा दिल्ली की कट ऑफ जो है ओबीसी की तिहत्तर है और आपकी दिल्ली की यूआर की सेवेंटी सिक्स कट ऑफ है ठीक है दिल्ली की कट ऑफ भी आपकी और आपकी ओएच OH की फिफ्टी नाइन जो है फ़िफ्टी नाइन कट ऑफ है आपकी दिल्ली की ईडब्ल्यूएस की सेवेंटी वन पर कट ऑफ गई है ठीक है इस तरीके से आप जो है सभी जोन की आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की कट ऑफ़ देख लीजिएगा यू आर की सत्तर नंबर पर चली गई है ठीक है आपकी जो है ई डब्ल्यू एस की सिक्सटी एट पर महाराष्ट्र की आपकी जो है एस सी की सिक्सटी सिक्स पर ओ OH एच की फिफ्टी सिक्स पर आ, जो है आपकी कट ऑफ चली गई है ठीक है इस तरीके से कट ऑफ जो है आपकी काफ़ी जो एज ग्रुप है अट्ठारह से सत्ताईस अट्ठारह से सत्ताईस में देखिए जो है आपकी इतनी इतनी कट ऑफ गई हुई हैं ये आप देख सकते हैं आप इसमें ठीक है सभी जगह की कट ऑफ देख सकते हैं अब देखिए क्या होगा जैसे इन्होंने अब हैं, जो जो वैकेंसीज हैं उसका दस गुना पास किए हुए वैकेंसी का दस गुना पास किए हुए लेकिन अब जो फाइनल में होगा वो दस से पंद्रह नंबर बढ़ जाएंगे इतना फ़र्क आपको एस एस सी में देखने को मिलता है एस एस सी में 10 से 15 यानी कि जिनके 60 नंबर हैं वो मान के चलिएगा 80 प्लस नंबर अगर उनके बन ए, बनते हैं यानी कि कट ऑफ सिक्सटी पर लगी है और उनके रियल में नंबर 80 प्लस हैं तो ही उनका सिलेक्शन होगा अभी जो है प्री में वो खुश हो चुके हैं लेकिन मेंस में देखिएगा मेन्स क्या मतलब फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके अगर सिक्सटी हैं तो एट्टी प्लस आप मान के चलिएगा और बाकी अदर जो है जैसे बिहार है उसका निन्यानवे के आसपास या हंड्रेड प्लस कूद जाएगा ठीक है इस तरीके से जो है जो आपकी कट ऑफ होती है वो काफ़ी इंक्रीजमेंट होता है उसमें फाइनल रिजल्ट आपका जब आएगा इसके बाद आपकी पेपर सेकेंड के बाद एक कट ऑफ लगेगी फिर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी तो फाइनल कट ऑफ तक जाते जाते आपके दस से पंद्रह नंबर तक इसका इसमें इंक्रीजमेंट हो जाता है तो अगर आपके नंबर सिर्फ उतने है, ही हैं आपने कट ऑफ ही क्वालिफाई की है इससे ज्यादा आपके नंबर नहीं है अब दूसरा जो पेपर होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है उसके नंबर एड ही नहीं होंगे तो ये जो है आपका सिर्फ प्री के ऊपर ही डिपेंड करता था अगर मान लीजिए आपके जहाँ आपकी कट ऑफ लगी है और उससे ज़्यादा बीस नंबर है वो चौदह तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर बनेंगे ठीक है चौदह को पता चल जाएगा कि आपके जो है नंबर कितने हैं कट ऑफ से कितने ज़्यादा नंबर हैं आपके ठीक है तो अगर आपके नंबर ज्यादा आएंगे तो फिर अच्छी बात है आपको कॉन्ग्रचुलेशन अगर आपके नंबर उतने ही है तो फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी अब जो है मेन्स में जो है फाइनल में आप बाहर होने के चांसेस आपके बन सकते हैं ठीक है थीके? अगर आपके कट ऑफ से बीस नंबर ज्यादा हैं या पंद्रह नंबर भी ज्यादा हैं तो आप मान के चलिएगा आप जो है शोर हैं ठीक है तो इस चैनल पर बने रहिएगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों